नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। रिश्वतखोरी में जिले का एक और अधिकारी विजिलेंस टीम के द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया। बड़ी खबर जनपद अमेठी से है, जहां एक बार फिर रिश्वतखोरी में जिले का एक और अधिकारी विजिलेंस टीम द्वारा रंगे हाथ पकड़ा गया। वहीं जिला लेखा परीक्षक अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह को अयोध्या की विजिलेंस टीम ने रंगे हाथ घूस लेते पकड़ लिया। वहीं थाना प्रधान के बेटे से घूसखोर प्रवीण ने 1,00,000 रुपए मांगे थे, जहां 25,000 की पहली किस्त लेने के बाद वह दूसरी किस्त लेने आए थे और जैसे ही रुपए हाथ में लिए कि लखनऊ से आए एंटी करप्शन टीम ने ज्वाइंट लेखा परीक्षक को गिरफ्तार कर लिया। और गौरीगंज कोतवाली में चल रही पूछताछ, अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उच्च अधिकारी जनपद अमेठी के रिश्वतखोरी के मामले में क्या कार्यवाही करते हैं, क्योंकि ऐसे तमाम वायरल वीडियो जनपद अमेठी से रिश्वतखोरी पर नहीं हो रही है कार्यवाही। ब्यूरो चीफ राम कैलाश पटेल की रिपोर्ट। मैं आपका रविंद कुमार। क्या शिकायत की थी आपने विजिलेंस में? विजिलेंस शिकायत की थी कि आर्टिस्ट नाम पर 1,00,000 रुपए हमसे घूस मांगा जा रहा है। कौन है ये, क्या है? ये ऑडिटर है, लेखा परीक्षक, ग्राम सभा का ऑडिटर। किस चीज के लिए पैसा मांग रहे थे, पूरा बताइए। पैसा मांग रहे थे कि फाइल जो है, जैसे जहाँ ऑडिट करना है, ऑडिट नाम पैसा मांग रहे थे। कितने पैसे की मांग कर रहे थे, कितना दे चुके हैं आप? 1,00,000 रुपए मांग रहे थे, हमने इनको अब तक 35,000 रुपए दे चुके हैं। शिकायत कहाँ किए थे आप? हम फैजाबाद शिकायत किए। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहे नया भारत दर्पण समाचार।